नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व लगभग हर घर में मनाया जाता है और इस दौरान दोस्तों कलश की स्थापना की जाती है। देवी को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। दोस्तों, इस समय की गई आराधना का फल बहुत जल्द प्राप्त होता है, लेकिन यदि आप नवदुर्गा में किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना व ज्वारे पूजन करते हैं, किंतु आपकी पूजा कितनी सफल हुई कितनी नहीं, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान देवी चैतन्य होती हैं, वहीं इन दिनों की गई सच्ची भक्ति से माता का फल आपको तुरंत देखने को मिलता है। यदि आपकी भक्ति से माता प्रसन्न होती है तो इन 9 दिनों के दौरान आपको कुछ ऐसे विशेष संकेत मिलेंगे जो आप समझ नहीं सकते हैं। अपने साथ होने वाली इन सूचितम घटनाओं को देखें और अवश्य समझें कि आपकी पूजा कितनी सफल रही है या असफल रही है। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं उन्हीं कुछ विशेष संकेतों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो यह माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का संकेत है। दोस्तों, अगर आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ यह व्रत किया है तो आपकी पूजा सफल होने का संकेत देता है। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा में यदि आपको 16 श्रृंगार में कोई महिला दिख जाए तो समझें कि माता रानी आप पर कृपा अपनी करने वाली हैं। आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक, सामाजिक व अन्य तरह की हर परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में अगर आपको नारियल, हंस या कमल का फूल सुबह सुबह दिखाई दे तो समझ जाएं कि माँ अंबे की कृपा आप पर बरसने वाली है, क्योंकि देवी माँ की पूजा में नारियल और कमल का फूल विशेष महत्व रखता है। हंस भी माँ सरस्वती का वाहन माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको घर से निकलते समय गाय दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको घर या मंदिर से निकलते समय गाय दिखाई दे और खासकर सफ़ेद गाय, तो समझ जाएं कि आपकी हर मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। दोस्तों, सुबह सुबह घर से निकलते ही अगर आपको गन्ना दिखे तो समझें आपकी पूजा स्वीकृत हो गई है और माता रानी की आप पर कृपा है। ऐसे में अपना हर काम निर्वय होकर लेकिन ईमानदारी से करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के बीच अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं और आपकी दाहिनी ओर आपको सांप या बंदर दिख जाए या सपने में सफ़ेद सांप का सुनहरा सांप दिखे तो यह देवी कृपा का बेहद शुभ संकेत है। वहीं दोस्तों, बताया जाता है अगर आपके घर में लगातार इन दिनों के दौरान कौआ आए तो समझें कि माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न है और आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली है, और माँ ने अगर आप पर अपनी कृपा बरसा दी तो यकीनन आप धनवान इंसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।